इंटरनेशनल वोमेंस डे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि हर साल आठ मार्च को मनाया जाता है तो यह इस दिन को मनाया जाता है ये आप लोगों को ध्यान रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हो सकता है यहाँ पर एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाए और इसके बारे में क्वेश्चन लगातार पूछे जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो ये आप ध्यान रखेंगे आठ मार्च को इंटरनेशनल वोमेंस डे मनाया जाता है हम लोग इसका इतिहास के बारे में बात करेंगे कुछ और साथ ही साथ इसका जो थीम क्या है यानी कि हर साल कुछ ना कुछ थीम के साथ मनाया जाता है तो इस साल का थीम क्या है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा तो चलिए देखते हैं कि करके सारी चीज़ों को तो यहाँ पर है कि विश्व की महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने महिलाओं के योगदान विभिन्न क्षेत्रों में सफल महिलाओं को सम्मान देने और उनको याद करने के उद्देश्य से हर साल आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तो ये आप लोग ध्यान रख रहे हैं कि विश्व में जो भी महिलाएँ हैं उनको क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए तो उस अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना है इसका मेन उद्देश्य साथ साथ जो भी महिलाएं हैं वे क्या क्या चीज़ों में योगदान दिए हैं और किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाए हैं और महिलाओं का योगदान से क्या चीज़ों का यहाँ पे हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है इन सारी चीज़ों का योगदान और फिर विभिन्न क्षेत्रों में जो सफल महिलाएँ हुई हैं उनको सम्मान देने के उद्देश्य से ही यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तो जो है विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि एस्ट्रोनोट हो गए हैं खेल खिलाड़ी हो गए राजनीति हो गए इन सारी चीज़ों में भी बहुत सारी महिलाएं सफल हुई हैं तो उनको भी सम्मानित करने के लिए ही यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है और जो भी सफल हुए हैं जो भी बहुत अच्छे काम करके गए हैं अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन महिलाओं को याद करने के उद्देश्य से ही यह जो है आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे बहुत ही विभिन्न प्रकार की जो महिलाएं हैं वे लोग विभिन्न क्षेत्रों में भी सफल हुए हैं तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि महिलाओं के बिना अभी जो है वर्तमान समय की बात करेंगे तो महिलाओं के बिना अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे अब दोस्तों बात करते हैं इसका इतिहास के बारे में कि किस प्रकार से यह महिला दिवस को मनाया गया तो देखिए इसका इतिहास क्या है 28 फरवरी 1908 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में महिलाओं ने पुरुषों के बराबर अधिकारों की मांग की साथ ही महिला दिवस मनाने की भी मांग की तो देख रहे हैं यहाँ पे जो डेट है वो अट्ठाईस फरवरी 1908 है वहाँ पे अमेरिका का शहर है नैबसौर वहाँ पर वहाँ की जो महिलाएं थी वे लोग पुरुषों के बराबर अपने अधिकार की मांग की जो भी काम करते थे फैक्ट्री में काम करते थे या फिर कंपनी में काम करते थे या तो फिर किसी सरकारी नौकरी करते थे तो वे लोग भी पुरुषों के अधिकार अपने अधिकारों की मांग की कि पुरुषों के बराबर ही हमें भी अधिकार दिया जाए हमें भी उसी प्रकार से स्वतंत्रता मिले लेकिन छूट मिले साथ ही साथ हम लोगों को भी जो वेतन है वह भी पुरुषों के बराबर ही दिया जाए तो इस प्रकार की मांग करने लगी न्यूयॉर्क की महिलाएं तो इसी से लेकर के ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई एक हिसाब से हम लोग कह सकते हैं और साथ ही साथ इनका जो कहना था इनका जो मांग था कि महिला दिवस भी मनाया जाए तो ये ध्यान रखेंगे साथ ही अब अगले देखते हैं कि उन्नीस में कलारा जेटकिंग नाम की जो महिला है उन्होंने महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का प्रस्ताव रखा ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1910 में कलारा जेटकिंग नाम की जो महिला है उन्होंने जो है महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानने का प्रस्ताव रखा था ये भी आप लोग याद रखेंगे अब दोस्तों 1911 में ऑस्ट्रिया डेनमार्क जर्मनी और स्विट्जरलैंड में पहली बार महिला दिवस मनाया गया तो यहाँ पे जो है 1910 में जो कलारा जेटकिंग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का प्रस्ताव रखा था उसके अगले ही साल में यानी दो हज़ार में में ऑस्ट्रिया डेनमार्क जर्मनी और स्विट्जरलैंड में पहली बार महिला दिवस मनाया गया ये आप लोग याद रखेंगे उसके बाद में हुआ 1975 में यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1975 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही 8 मार्च को अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे इस प्रकार का ये आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान कर दी तो यह मान्यता प्रदान कौन किया तो यह संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने किया कि आठ मार्च को अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा इस प्रकार से यह मान्यता प्रदान कर दिया आधिकारिक तौर पर यूएन ने और वो भी उन्नीस सौ पचहत्तर में तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे अब बात करें दोस्तों कि थीम यानी कि कुछ ना कुछ थीम के साथ हर साल मनाया जाता है हर साल कुछ ना कुछ, कुछ थीम रहता है तो इस वर्ष का थीम क्या है यानी कि 2024 का 2024 का जो थीम क्या है वो अभी देखेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं चलिए हम लोग बात करते हैं थीम के बारे में तो देखिए साल दो का यानी कि इस वर्ष का जो थीम है वो है इंस्पायर इंक्लूजन यह है इंग्लिश में इसको कहेंगे और हिंदी में शुरू कर लेंगे समावेशन को प्रेरित करें तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे इसको हिंदी में कहेंगे तो आप लोग दोनों तरीके से याद रखेंगे इंस्पायर इंक्लूजन और समावेशन को प्रेरित करें दोस्तों यहाँ पे जो है समावेशन को प्रेरित करें यानी कि इंस्पायर इंक्लूजन इससे हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो है वह, वहाँ वहाँ पर महिलाओं को समावेशन करना यानी कि महिलाओं को भी वहाँ पर शामिल करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है अपना समाज को आगे बढ़ाना है साथ साथ जहाँ भी काम करते हैं उन चीज़ों को भी आगे लेकर के चलना है यानी कि महिलाओं को भी समावेशन करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों में या तो फिर विश्व में आगे बढ़ना है तो यह चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि समावेश समावेशन को प्रेरित करें तो महिलाओं को भी वीमेंस को भी समावेशन करते हुए आगे बढ़ने के लिए यह इस वर्ष का थीम को रखा गया तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे यही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आप लोग इतनी सारी जानकारी को याद रखेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया कि आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है इसका उद्देश्य क्या है साथ साथ है इतिहास क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया और जो इम्पोर्टेंट था थीम वह अभी मैंने आप लोगों को बता दिया तो इस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि आठ मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कि एट मार्च को इंटरनेशनल वोमेंस डे तो ये आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे